जय श्री कृष्ण। हम 5 मार्च 2024 का डेली करंट अफेयर हम हिंदी में आज डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारा इस चैनल में आपको डेली करंट अफेयर आपको मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तो हम कुछ हम बात कर लेते हैं कि इस चैनल में हम जो डेली करंट अफेयर आप दे रहे हैं वो आप क्वेश्चन आंसर के साथ में डिस्क्राइब भी दिया जाता है, तो आप इसको लास्ट एंड तक देखते रहिए। और उसको अलग सा जो ग्रुप है, जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड जितने सारे ग्रुप्स हैं आप स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, और आपके दोस्तों को भी आप बता भी सकते हैं। तो पहले हम इस पहले डिस्कशन करते हैं कि जो पहले पिछले दिन जो 29 फरवरी को जो हुआ था, मतलब हम जो डिस्कशन किए थे प्रीवियस डे को, तो उसमें से कुछ टॉप 5 क्वेश्चन को पहले हम जो टॉपिक मतलब देश विदेश का जानकारी जो है इम्पोर्टेंस जो है हमारा एग्ज़ाम के बेसिस, तो उसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि अजय मानिक राव जो कानभिलार है, जो अपॉइंटेड किया गया है इंडिया का 2nd लोकपाल के हिसाब से। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कंट्री का फास्ट हाइड्रोजन हॉप पोर्ट जो है वो सेटअप किया गया है तमिलनाडु में, और न्यूजीलैंड क्रिकेटर जो है नील वागनर वो रिटायरमेंट ले लिए हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इसरो का जो 2nd स्पेस फोर्स जो है ये सेटअप किया गया है तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, ये जो किया गया है इसरो का जो 2nd स्पेस फोर्स है। तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो पूछेगा तो आपका आंसर हो गया तूतुकुड़ी जो तमिलनाडु में है। और इस तरह से देखेंगे गोवा का जो फास्ट स्टेट जो है इंडिया में वो आपका वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड जो होता है, तो उसमें आपका गोवा का फास्ट स्टेट जो है इंडिया का उसमें वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड का आया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि देखिए तो इसको आप नोट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 का जो ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसका रैंक इंडिया का रैंक कितना है। तो आंसर आपका हो गया 42, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में जो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि 12th एडिशन जो हुआ था ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में, वो आपका US चैम्बर ऑफ द कॉमर्स ऑन फेबरी 28 का हमारा जो 2024 का इंडेक्स जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया था, तो 55 कंट्रीज में से आपका इंडिया का रैंक 42 पे है, जो कि ये जो इंडेक्स है ओवरऑल कितना परसेंट लाया है, 38.64% ओवरऑल स्कोर किया गया है। तो उसमें से टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सा है, पहला हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद में आपका आया फ्रांस, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई साउथ अमेरिकन कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर ए हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द राइजिंग आउटब्रेक ऑफ डेंगू। तो डेंगू से जो मतलब कौन सा हेल्थ इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया गया है, तो साउथ अमेरिकन कंट्री किया गया है, तो कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री आपका रिसेंटली आउटब्रेक किया गया है, तो आंसर हो गया आपका पेरू, ओके। तो पेरू होता है साउथ अमेरिका का जो अमेरिकन कंट्रीज है, जो कि हेल्थ इमरजेंसी के लिए डिक्लेयर किया गया है, जो मतलब डेंगू ज़्यादा बढ़ते हुए उसको इमरजेंसी घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो गया पेरू, ओके। तो पेरू के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे, तो पेरू जो कंट्रीज है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, तो पहले आइए देखते हैं। तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, उसका कैपिटल है आपका लीमा, तो मेजर रिवर गया है वहाँ पर अमेजन जो रिवर है आपका पेरू में, अमेजन रिवर मेजर है। उसके बाद में उसका पेरू का करेंसी क्या है, सोल, SOL सोल। तो ये जो है डेंगू जो हुआ है, तो आपका हेल्थ मिनिस्टर सीजर भैस्क्यूज जो है वो 31,000 केसेस अब डेंगू का जब रिकॉर्डेड किया गया था फर्स्ट वीक ऑफ द 2024 में, तो उसमें से 32 पीपल जो डेंगू से चल बसे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुईज ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज ऑन द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का जो 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुआ है, तो उसमें से कौन सा यूनिवर्सिटी ओन किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपका विन हुआ है, ठीक है।
तो इसके बारे में ले लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि इनाग्रेशन किया गया है कहाँ पर। ना सूरज साई स्टेडियम, जो कि असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा जो है, असम का सीएम हेमंत बिस्वा सरमा है, यूनाइटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा आपका इनाग्रेशन किया गया है कहाँ पर, सरुस जय स्टेडियम से। तो उसके बाद में विनर इसमें कौन सा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर हुआ है। तो फोर्थ किलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जो इवेंट्स हुआ है कहाँ पर हुआ था, गुवाहाटी असम, 19 फरवरी से 29 फरवरी तक हुआ था, और मैस्कॉट है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज एंड लॉन्च द स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म, तो कौन सा मिनिस्ट्री जो कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो आंसर हो गया आपका कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है धर्मेंद्र प्रधान यहीं पर है जो लॉन्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन आपका किया है मतलब स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो ये जो पोर्टल है ऑपरेटेड किया जाएगा IIT जो हमारा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा जो हमारा पोर्टल ये ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लियोपार्ड्स रिपोर्ट 2022 तो रिलीज किया गया है यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो हुई स्टेट हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ द लियोपार्ड्स, तो जो हाइस्ट नंबर ऑफ द लियोपार्ड्स कौन सा स्टेट में है। तो आंसर नंबर आपका हो गया मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया कौन सा, तो 2022 का जो लियोपार्ड रिपोर्ट है तो उसके हिसाब से आप देखेंगे मध्य प्रदेश मैक्सिमम है। तो इसमें क्या लिखा है कि ऑन फेबरी 29 में जो मिनिस्ट्री एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रिलीज किया गया था रिपोर्ट, तो स्टैट्यू ऑफ द लियोपार्ड इन 2022 का, तो उसमें लियोपार्ड आपका टोटल इंडिया में कितना है, 13,874 है। 2018 में कितना था, तो 12,852। ठीक है, तो इतना आपका लियोपार्ड है। तो उसमें से जो स्टेट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपका देखा जाएगा मध्य प्रदेश पे 3,907 आपका लियोपार्ड्स हैं। नेक्स्ट हो गया आपका महाराष्ट्र जो कि 1,985 महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में 1,879 है, और तमिलनाडु में 1,070 है। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट आ गया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वीक वॉज द सेलिब्रेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द 26 फरवरी टू 1 मार्च, तो 26 फरवरी से जो 1 मार्च तक इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो सेलिब्रेटेड किया जाता है, कौन सा वीक ऑब्जर्व किया जाता है। तो आंसर हो गया आपका फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, जो ऑप्शन नंबर ए, वो आपका 26 फरवरी से 1 मार्च तक क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका थीम क्या है, करो सही शुरुआत बनो वित्तीय सम्राट। ओके, तो ये आपका थीम हो गया कौन सा, जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक का। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं द बुक बेसिक स्ट्रक्चर इन द रिपब्लिक इज रिटन बाय, तो ये जो किताब है बेसिक स्ट्रक्चर इन रिपब्लिक जो है वो उस किताब किसके द्वारा लिखा गया है। आंसर हो गया पी एस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन कंपनी हैज लॉन्च एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव महंत्रा, तो महंत्रा जो है वो कौन सा हमारा जो कंपनी इंडियन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव किया गया है। तो आपका एनिमली वेलफेयर इनिशिएटिव क्या क्या है, मंत्रा है, तो उसको किस कंपनी के द्वारा किया गया है। आंसर हो गया तुम्हारा रिलायंस, ऑप्शन नंबर बी आपका। देख लेते हैं क्या हो सकता है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट सब। तो रिलायंस कंपनी जो है स्टार्टेड किया है एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव मंत्रा, तो एक इसके द्वारा रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो बांद्रा एक हॉस्पिटल मतलब वन टाइप ऑफ हॉस्पिटल है और एनिमल केयर सेंटर है जिसमें कि एनिमल्स क्या करेंगे, ट्रीटेड करेंगे एंड केयर फॉर मतलब इसमें केयर कर सकते हैं। उसकी इस तरह से देखेंगे बांद्रा जो है सेंटर है वो सेटअप किया है जामनगर गुजरात में, ये सेटअप किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि इन व्हिच ओशन इज द एग्लेगा आइलैंड जो है, अगलेगा जो आइलैंड है तो वो कहाँ पर है, कौन सा ओशन में है। तो आपके आंसर हो गया तुम्हारा पैसिफिक ओशन में है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, तो आपका पैसिफिक ओशन में है। तो इसके बारे में क्यों, ये जो अगलेगा जो आइलैंड है इसके बारे में क्यों
मतलब आपका क्वेश्चन आया कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और दो प्राइम मिनिस्टर जो है मॉरीशस के जो प्रवीण जगनॉथ है तो इनॉग्रेटेड किया थे 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हैं, तो इसमें से कहाँ पर किए हैं? मॉरीशस में किए हैं। तो एगलेगा आइलैंड जो है भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेटेड किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव नाइटहुड बाय द चार्ल्स III। तो नाइटहुड जो है हमारा चार्ल्स III के द्वारा जो रिसीव किया गया है, चार्ल्स III के द्वारा रिसीव किया गया है, किसने फर्स्ट इंडियन सिटीजन हम देखेंगे, उसका नाम है सुनील वात्र भारती मित्तल जो है उसको हमने नाइटहुड जो चार्ल्स III के द्वारा दिया गया है, रिसीव किया गया है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब उसके बारे में देखते हैं। चार्ल्स III जो है चार्ल्स फिलिप्स ऑथर जॉर्ज जो चार्ल्स III कौन है? चार्ल्स फिलिप्स ऑथर जॉर्ज है, तो उसमें से यूनाइटेड किंगडम और मतलब 14 अदर कॉमनवेल्थ रियलम जो है आर द मोनार्च। चार्ल्स III बिकम द किंग इन 2022 में, तो 2022 में राजा हुए थे चार्ल्स III, 2022 में राजा बने थे। तो नाइटहुड क्या है? ना डिलीवर किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा, किसको दिया जाता है? जो हमारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है आर्ट्स साइंस और मेडिसिन और गवर्नमेंट के लिए जो किया जाता है उसको मतलब दिया गया है। तो अब देखेंगे 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 को हमने 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। तो इस्टेब्लिश किया गया था UNAIDS, तो इसके एडवांस और इक्वालिटी और फेयरनेस जो है, तो ये रिगार्डलेस किसके माध्यम से जेंडर और एक हो गया एज और सेक्सुअलिटी एंड एथिनिटी एंड HIV स्टेटस के लिए मैं आपको UNAIDS के माध्यम से जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024 मनाया जाता है। तो ये जो थीम है टू प्रोटेक्ट द एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट द एवरीवन्स राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपका 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2024 में सिविल डिफेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर ए पार्ट ऑफ मिलिट्री बट आर द ट्रेन टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प पीपल इफ एन एनिमी अटैक देयर कंट्री और इफ देयर इज ए नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें थीम क्या है 2024 का? ऑनर हीरोज एंड द प्रोमोट सेफ्टी स्किल्स। तो इसका आप देखेंगे इस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2024 का थीम क्या है? ऑनर हीरोज एंड द प्रोमोट सेफ्टी स्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PM मोरारजी देसाई, जो PM मोरारजी देसाई जी का 129th बर्थ एनिवर्सरी किया गया है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे वो कब से कब? 1977 से 79 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे। वो जन्म लिए थे कहाँ पर? गुजरात में लिए थे, तो 29 फरवरी 1896 में लिए थे। 1952 पे जो हमने देखेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ द बॉम्बे का थे पहले, तो उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पे यू नेम्स द रेणु सूड कर्नाड जो कि चेयरपर्सन है एंड द इंडिपेंडेंस डायरेक्टर हैं। तो पी यू जो है एक पेमेंट जो कि प्राइवेट लिमिटेड का है, तो उसमें से हमने देखेंगे कि रेणु सूड कर्नाड जो है वो चेयरपर्सन बने हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हुए हैं। तो ये जो है कि पहले डायरेक्टर थे HDFC बैंक का, जो चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इस कंपनी का, तो पे यू पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड हम पे यू बोलते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म। तो इसमें कर्नाड जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडियन लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर होते हैं हमका HDFC का, जो कि 2023 जुलाई से है। तो बिफोर इट गॉट मर्ज विथ HDFC के बैंक के साथ में मर्ज था, अभी HDFC जो मॉर्गेज लेंडर है तो उसमें कन्नड मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो गोवा गवर्नर्स बुक्स द बेसिक स्ट्रक्चर इन द रिपब्लिक रिलीज इन पनाजी। तो गोवा का जो गवर्नर्स हैं तो वो जो बुक उसके जो बुक हैं बेसिक स्ट्रक्चर इन द रिपब्लिक वो है रिलीज किया गया है किस कहाँ पर? पनाजी के माध्यम से, पनाजी में रिलीज किया गया है। गोवा का गवर्नर है PS श्रीनिधि पिल्लई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो PM मोदी रिलीज 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम और 21,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री रिलीज किए हैं, जो 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम को इंस्टॉलमेंट किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो रिलीज किए हैं 16th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो PM किसान
तो उसमें 21,000 करोड़ का रुपीस का पब्लिक मीटिंग किया गया है। वावतम महाराष्ट्र का 3,00,000 करोड़ जो रुपया है वो जो डिपॉजिट किया गया है टिल नाउ इनटू बैंक अकाउंट ऑफ 11 करोड़ फार्मर्स ऑफ द कंट्री अंडर द पीएम किसान। ठीक है, उसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तावी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड किया गया जम्मू का जो कल्चर हेरिटेज में जो होता है तावी फेस्टिवल, तो ये जो तावी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर हर एक साल एनुअली ये मनाया जाता है जो त्यौहार तावी फेस्टिवल, कब से कब तक, फर्स्ट टू फोर्थ मतलब मार्च 2024 में। तो ये जो सेंटर किया गया है बैंक ऑफ द कहाँ पर किया गया है, तावी रिवर के पास में किया गया है जो कि फ्लोइंग थ्रू द जम्मू सिटी के अंदर में गया है, और द शो के द रिलीजन वाइब्रेंट कल्चरल लिगेसी और एड्स कोजिन लिटरेसी एंड फॉल ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड का फास्ट वैदिक क्लॉक ऑन वेल इन उज्जैन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है वहीं पर आपका वर्ल्ड फास्ट वैदिक क्लॉक इन मिल किया गया है। तो वर्ल्ड का जो फास्ट वैदिक क्लॉक डिजाइन किया गया है वो शो कोस्ट टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन पंचांग जो है वो ट्रेडिशन हमारा इंडियन का पंचांग और मध्य प्रदेश उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसी तरह से देखेंगे वैदिक जो क्लॉक स्टैंड किया गया है वो 85 फुट का है जो टावर विदिन उज्जैन जंतर मंतर एडजेसेंट टू द गवर्नमेंट ज्वेलरी ऑब्जर्वेटरी। तो उसके साथ में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज कुमार चटर्जी जो कि है अभी विन किए हैं रोनाल्ड बुक प्राइज 2024 फॉर बंगाली ट्रांसलेशन में आपका जो है रोनाल्ड बुक प्राइज 2024 उसमें पंकज कुमार चटर्जी विन हुए हैं। तो पंकज कुमार चटर्जी मतलब विन हुए हैं 17th एडिशन ऑफ द रोनाल्ड बुक प्राइज। तो पूछा गया होगा कि रोनाल्ड बुक प्राइज जो है कितना एडिशन का है, तो आपको बोल सकते हो 7th एडिशन का है और बेंगली और ट्रांसलेशन जो किया गया है कहाँ से, फ्रेंच नोबेल स्टैनिल कोर्स से किया गया है। तो फ्रेंच का जो ओरिजिनल है डे डिवान डी स्टैलिन उसको रिटेन किया गया था जिन डैनियल बाल्टा स्टासार्ट के द्वारा लिखा गया था, और 2017 में इंस्टीट्यूट किया गया था फ्रेंच इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर, इंडिया में, जो कि रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसलेशन ऑफ द फ्रेंच बुक्स इनटू इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन जो पे है उसमें जो आरबीआई का जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है, तो अमेजन पे को आरबीआई का पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस मिला हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि अमेजन पे जो फाइनेंस टेक्नोलॉजी डिवाइड के डिवीजन जो है ई कॉमर्स जायंट अमेजन जो कि सिक्योर द एस्टिमेटेड पेमेंट एग्रीगेटर पीए लाइसेंस जो कि फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से लिया गया है। तो ये जो रेगुलेटरी अप्रूव किया गया है परमिट द पेमेंट प्लेटफॉर्म्स जंक्शन एज द पेमेंट एग्रीगेटर एंड एम्पावरिंग द फैसिलिटेटेड ई कॉमर्स ट्रांसलेशन थ्रू इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो आपके जो हमने बताए इस वीडियो के माध्यम से जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है 1 मार्च तक करेंट अफेयर आप इसमें डिस्कशन कर लिए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको अलग से ग्रुप में जो स्टडी ग्रुप में आप शेयर कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।